मेरी कहानी कुछ खास नहीं थी, सब नॉर्मल था। और फिर अचानक मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैं जिनके कारण जीता था वही नहीं रहे मेरे साथ, पर शायद उस दुख को कम करने के लिए मेरे अपनों में से सिर्फ मेरे मामा जी थे, मेरे हर बुरे और अच्छे वक्त में मेरे साथ थे। भले मेरे पास ना हो पर दिल से हमेशा मेरे साथ थे। मैंने क्लास 10 बोर्ड्स बिना मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट और ना किसी को मेरे स्कोर की चिंता की दी। फिर मैंने थोड़ी मेहनत करी और एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन किया, पर ज्वाइन करने गया तो फिर अपने आप को अकेला पाया, जबकि बाकी बच्चों के साथ उनके पापा या मम्मी या फिर दोनों ही थे। भले अंदर ही अंदर बुरा लगता था पर फिर एहसास होता था कि दुखी कब तक होता। मामा जी के घर के खर्चे भी बड़े मुश्किल से निकलते थे, तो मैं पार्ट टाइम छोटा मोटा काम करने लगा। ये करते करते मैं आ गया फाइनल ईयर में और फिर ग्रेजुएशन का दिन। बट ये देखने के लिए ना मेरे पापा थे ना मम्मी। एक सेकंड के लिए सोच में पड़ा कि अगर वो यहाँ होते तो कितने खुश होते। फिर मैंने अपनी स्पीच दी और फिर मैंने मेहनत की और पैसे कमाए। पर थोड़े समय बाद मेरे पड़ोस के घर से रोने की आवाज़ आने लगी। जाके देखा तो मेरी तरह ही एक बच्चा अपनी मम्मी पापा को खो चुका था एक हादसे में। और ये देख के मुझे मेरे गुजरे वक्त की याद आ गई। घर गया, एक रात सोचा और अगले दिन उस बच्चे को गोद ले लिया। उसे मैंने उसके हर कदम पे सफलता पाते हुए देखा, सारी खुशियाँ दी और उसको वो ज़िंदगी दी जो मुझे नसीब न हुई। अब मैं चैन से इस दुनिया से जा सकता हूँ। धन्यवाद भगवान एक अच्छे मामा जी और एक अच्छे बेटे को देने के लिए और इस ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए।